हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की यह वीडियो अटेंडेंस शीट को लेकर के है। जैसे कि मैंने आपको डेमो वीडियो में बताया था कि एक अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे हम लिब्रा कैल्क पर, तो चलिए लिब्रा कैल्क को ओपन करते हैं। यही वो अटेंडेंस शीट है और ऐसा ही एक और हमें बनाना है। तो ऐसा ही एक और बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ, और ये पूरी अटेंडेंस शीट आप बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले काम, आप यहाँ पे नया पेज ले लीजिए। नया पेज लेने के बाद यहाँ पर आपको सीरियल नंबर रखना है, तो यहाँ पर रख दीजिए सीरियल नंबर। मैं यहाँ रखता हूँ एस और फिर यहाँ लिख देता हूँ एम, तो ये हो गया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे आएगा नेम ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, या नेम ऑफ स्टूडेंट जो भी है वो यहाँ पे कर सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कर दिया स्टूडेंट, ये हम स्टूडेंट के लिए बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर लिया, फिर यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास आएगी जो क्लास है, ठीक है, तो ये क्लास हो गया। फिर यहाँ ईयर हो जाएगा YEAR, ईयर कर दिया। फिर यहाँ पे मंथ आ जाएगा MONTH, मंथ हो गया। आप देख सकते हैं कि सेम ऐसी ही शीट हमने यहाँ पर भी बनाई थी जिसमें ईयर और मंथ दोनों ही हमने रखा था, ठीक है। आप इसमें फादर्स नेम को भी ऐड करवा सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ऐड करवाना था आपने ऐड नहीं कर पाया, आप भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर रखिए कर्सर को, राइट क्लिक करिए और बिफोर आफ्टर दोनों दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसके बिफोर ऐड करना है, तो यहाँ पे बिफोर ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे फादर्स नेम कर देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया फादर्स और फिर लिख दिया नेम, और इस तरीके से ये जो हमने कर लिया। और अब क्लास और ईयर के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी अटेंडेंस शीट में और क्या क्या चीजें दी गई हैं। फिर यहाँ से डेट आएगी, तो अभी चल रहा है अप्रैल का महीना, ठीक है, ये देख सकते हैं 15 अप्रैल की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी हम अप्रैल के लिए ही अटेंडेंस शीट डिजाइन करेंगे, तो यहाँ से आकर के। और अब हमें क्या करना है, जैसे कि इस वाले में दिया गया है यहाँ पे 1 से लेकर के और जितना डेट होता है वहां तक पूरा हमें इसको ड्रैग करवाना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1, फिर यहाँ पे लिखता हूँ 2, और इन दोनों को यहाँ से पकड़िए और आप ड्रैग करवाते हुए चले जाइए, ठीक है। तो ये देखिए ये काफी ज्यादा हो गया, और इतना ज्यादा तो हमें चाहिए नहीं, हमें 30 तक चाहिए। तो यहाँ से बैक आ जाइए, ये आ गया 30 तक, बस यहाँ तक रखना है, ठीक है। अप्रैल कितने का महीना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 दिया गया है, तो 30 रखना है आपको। फिर 30 तक रख लिया हमने। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे, इसकी साइज काफी बड़ी हो गई है तो इसको छोटा कर लीजिए और यहाँ पे इसकी साइज को बढ़ा लीजिए थोड़ा, ठीक है। ये स्टूडेंट नेम वाला जो साइज है विथ बढ़ा लीजिए कॉलम की, यहाँ से इसको भी बढ़ा लेते हैं। और ये देख सकते हैं क्लास की विड्थ को थोड़ा छोटा रखेंगे, ईयर की विड्थ को थोड़ा छोटा रखेंगे, बाकी ये जो 1, 2, 3 है इसमें हम प्रेजेंट और एब्सेंट फिल करेंगे, तो इनको भी हम छोटा छोटा कर सकते हैं यहाँ से जाकर के। आप सॉफ्टवेयर टी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ से जाकर के भी, इस तरीके से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है तो ये अपने आप बाकी चीजें अपने आप उसी सीक्वेंस में आती चली जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट के नाम लिख लेता हूँ, जो भी स्टूडेंट के नाम है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी नाम यूज कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे कुछ नाम मैंने यूज कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। यहाँ फादर्स नेम आ जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट का फादर्स नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे राम सिंह, ये कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसी तरीके से और भी नाम हम देते चले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फादर्स नेम तो हमने दे दिया है, यहाँ पे क्लास का नाम भी दे दिया है, तो ये एक पर्टिकुलर क्लास की डिटेल है। यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या सीमित है, आप और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ एक डेमो के लिए। यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि यहाँ पर जैसे ही आप इसको ट्रैक करवाएंगे तो 23, 24, 25 ये अपने आप आता चला जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है 2022, क्योंकि 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, दोनों को सेलेक्ट कीजिए एक साथ और फिर ड्रैग करवा दीजिए। जैसे ड्रैग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह रास्ता है, अब यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट देना है आपको, तो आप चाहे तो इसके लिए ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, तो यहाँ पूरा ये हिस्सा जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उससे भी पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे ये जो संडे है इसको आपको यहाँ पे संडे ही रखना है, तो यहाँ पे एस यू एल लिख करके और फिर यहाँ पर भी एस यू एल लिख करके जहाँ मैं पूरा संडे टाइप करना होगा यहाँ पे, तो संडे यहाँ पे टाइप किया हमने एस यू एल, ये हमको टाइप करना होगा, ठीक है, तो ये टाइप कर लीजिएगा आप अपना, ठीक है, ये हो गया संडे। देख सकते हैं हर जगह हमने संडे दे भी दिया है कुछ इस तरीके से, ओके, तो इस तरीके से आपको भी करना है, यहाँ पर संडे हमने दे दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट की बात है, तो आप देख लीजिए कौन सा बच्चा किस दिन प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से आप प्रेजेंट एब्सेंट लगा दीजिए, जो भी है यहाँ पे लगाते चले जाइए। प्रेजेंट के लिए पी लिखेंगे, एब्सेंट के लिए ये लिखेंगे, ठीक है। एब्सेंट इस तरीके से मैं करता चला जाता हूँ। देखते हैं यहाँ पर पूरा मैंने फिल भी कर लिया है, अब हमें क्या करना है, सिंपल वे में यहाँ पर हमें बॉर्डर्स लगाने हैं। बॉर्डर्स लगाने के पहले भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करा लेंगे। तो यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप मर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ से चल करके मर्ज करा लीजिए ताकि ये देखने में अच्छा लगे थोड़ा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ से मर्ज करा सकते हैं। यहाँ तक जब मर्ज हो जाएगा तब फिर हमें लगा लेना है बॉर्डर। तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लगा सकते हैं आप बॉर्डर। बॉर्डर भी लगाने के पहले मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा टोटल डेज। टोटल डेज कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको मर्ज करा देना है, ठीक है। इसको मर्ज कराने के बाद इसको भी हम मर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर जो हम करेंगे वो प्रेजेंट डेज करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसके बाद हम एब्सेंट डेज कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर इसको भी हम करा लेते हैं मर्ज यहाँ से। तो यहाँ पे एब्सेंट डेज कैलकुलेट होगा, वहां पे प्रेजेंट डेज कैलकुलेट होगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम वर्किंग डेज कर लेंगे, क्या करेंगे, वर्किंग डेज। तो यहाँ पे हमें वर्किंग डेज लगा लेना है, तो ये यहाँ पर जाकर के, और पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल डेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल डेज, तो जो भी टोटल डेज आपका आएगा वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल डेज। टोटल डेज कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, हमें सिंपल वे में यहाँ पे प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रेजेंट डेज, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट डेज, और फिर यहाँ पे कर दीजिए एब्सेंट डेज। तो ये लिख दिया हमने एब्सेंट डेज, ओके। तो प्रेजेंट डेज हो गया, फिर एब्सेंट डेज हो गया, दोनों ही हो गया, और टोटल डेज तो हम पहले कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे वर्किंग डेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए वर्किंग डेज, इस तरीके से वर्किंग डेज। तो ये हो गया वर्किंग डेज। तो अब सारा कुछ ही हो चुका है हमारा, यहाँ से कॉलम छोटा पड़ा है तो इसको यहाँ से ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब इस पूरे डेटा पर हम बॉर्डर लगा लेते हैं, पहला काम तो हम यही करेंगे, इस पूरे डेटा पर हम लगाएंगे बॉर्डर। तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके और लगा लेते हैं बॉर्डर। तो यहाँ से जाकर के, और फिर देखिए बॉर्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जाइएगा ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा, ये बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। बॉर्डर लगने के बाद क्या करना है आपको, इतने डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा और एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कर दीजिए। ये कलर प्रोवाइड कर दिया हमने, ये ऊपर वाला जो डेटा है जिसमें संडे मंडे लिखा हुआ है, इसको आप एक अलग कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से जाकर के बैकग्राउंड कलर में कोई एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, लाइक ये ब्लैक कलर दे देते हैं, बाकी ये व्हाइट में रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट आपका यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, जो डेट हमारी है उसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर रख करके, और यहाँ पे डेट को एक अलग कलर दे देते हैं। तो यहाँ से ये डेट को कलर दे दिया हमने। डेट को कलर देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर रखना है कर्सर को, और इन सबको भी एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे एक कलर मैं दे देता हूँ, पहले तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, और फिर अब बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर हम लगा देते हैं, लाइक ये कलर लगा देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट का कलर है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि ये रेड हो गया है, तो यहाँ पे इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब ये सही है। अब हमें यहाँ पे टोटल डेज कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, इज इक्वल टू काउंट ए का फॉर्मूला लगाइए, काउंट ए, ये लगा दिया काउंट ए। काउंट ए लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। अब टोटल डेज कैलकुलेट करना है ना, तो टोटल डेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, काउंट ए लगाना है, और यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट करके चले जाना है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इसको पूरा, तो यहाँ पे टोटल डेज हमें देखने को मिल जाएगा। तो एक को हम करेंगे, बाकी सबका अपने आप आता चला जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, ये हमको पूरा यहाँ तक चाहिए, तो ये हमने सेलेक्ट करी। अब यहाँ से इसको बंद करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ 30 डेज आ गया है, कुल मिला के 30 दिनों का ये महीना रहा। अब 30 दिनों के महीने में आप देख सकते हैं कितने दिन छुट्टियां रही है, संडे संडे को छुट्टियां रही है। प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करना है, ये कैसे होगा, प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करना आसान है, यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाइए आप। जैसा कि मैंने आपको डेमो वीडियो में बताया था कि काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये प्रेजेंट डेज कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा ये देखते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और लास्ट तक सेलेक्ट करते चले जाइए जहाँ तक आपका प्रेजेंट एब्सेंट दिया हुआ है। तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले कॉमा लगा देना है, कॉमा लगाने के बाद डबल इंटेड कोट्स को ओपन करना है और यहाँ पे लिख देना है पी, यानी हम प्रेजेंट डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने पी ही तो लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं पी ही लिखा है, ये लिख दिया, बंद किया, एंटर किया। यहाँ पे 24 डेज आ चुका है, देख सकते हैं आप, डबल क्लिक करेंगे सबका प्रेजेंट डेज आ जाएगा। एब्सेंट डेज कैसे कैलकुलेट होगा, इसी तरह से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे काउंट इफ लिखा मैंने, और यहाँ पे एब्सेंट के लिए क्योंकि मैंने ए लगाया है, डेटा तो हमें वही सेम सेलेक्ट करना है,
देखिए यहाँ से हमें डेटा तो हमें सेम ही सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से चल करके और ये पूरा डेटा आप कर लीजिए सेलेक्ट, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने पर डबल क्लिक कॉमा में ए दे देंगे, ये ए दे दिया, बंद किया, ब्रैकेट को एंटर किया। यहाँ पे ये दो दिन एब्सेंट है, बाकी के सारे बच्चे कितने कितने दिन एब्सेंट है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब आपने एक प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वर्किंग डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रेजेंट डेज और प्लस एब्सेंट डेज दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा वर्किंग डेज। तो 26 दिन कुल मिला के वर्किंग डेज रहा, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से ये वर्किंग डेज कैलकुलेट हुआ आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई हो। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर जा करके राइट क्लिक करके और यहाँ पर ऊपर जो है रो इंसर्ट करा सकते हैं। रो इंसर्ट कराने का एक खास पर्पज है जिसके लिए मैं रो इंसर्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस रो का, क्यों हम इसको इंसर्ट करवा रहे हैं, ऊपर हम लिखेंगे अटेंडेंस शीट। अगर आपने नहीं लिखा मेरे तरीके से, मैंने जैसे छोड़ दिया था वैसे आपका भी छूट गया है, तो आप यहाँ पर जाइए, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर मर्ज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ही मर्ज हो जाएगा और आप यहाँ पर फॉन्ट वर्क का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आएंगे इंसर्ट टैब में तो यहाँ पर आपको फॉन्ट वर्क मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल नहीं है कि आपको यहाँ वर्ड आर्ट मिलेगा, यहाँ पर फॉन्ट वर्क ही मिलता है। आपको जो भी अच्छा लगता हो इसमें से देख लीजिए और वो फॉन्ट वर्क आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक फॉन्ट वर्क हम ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए यही मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर के और ओके करूंगा, यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे इसको, इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, ये जो स्टाइल लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम अटेंडेंस शीट, क्या लिखेंगे, अटेंडेंस, अटेंडेंस शीट, कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है अटेंडेंस शीट। जैसे ही लिखेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, और इसी को ले जाकर के आपको वहां पे रख देना है ऊपर, ठीक है। इसको यहाँ ले जाइए, ऊपर रख दीजिए, इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लीजिएगा छोटा बड़ा करके, और यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रेडियंट लिया गया है, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए जो भी आप चाहते हो, जिस तरीके का उस तरीके का आप इसको बना सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको डेमो वीडियो में कि आप यहाँ ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी अटेंडेंस शीट बनकर के तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी।